डिज्नी में कई दशकों से ये परंपरा चली आ रही है कि अपने किसी भी एनिमेशन फिल्म को नई तकनीक के साथ में थोड़ा रीयूनाइट करके प्रेक्षकों के आगे लाया जाता है। इनमें से कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। फ्रोजन 2 और द लायन किंग ये उनमें से कुछ के उदाहरण हैं। लाइव एक्शन फिल्मों का मतलब किसी भी फिल्म के किरदार को स्पेशल पिक द्वारा फिल्म के पर्दे पे जिंदा करना होता है। द लिटिल मरमेड इस फिल्म में फिल्म का सारा फोकस एक जलपरी के ऊपर है। समुद्र के राजा की बेटी एरियल की कहानी बहुत सदियों पुरानी है। इस फिल्म की कहानी का पहला प्रकाशन साल 1837 में हुआ था। साल 1976 में रशिया में इस कहानी के ऊपर फिल्म बनाई गई थी। इसके बाद में डिज्नी स्टूडियोज की इस कहानी के ऊपर पहली नजर पड़ी और साल 1990 में इसके ऊपर उन्होंने एनिमेशन फिल्म बना ली। अब आज का समय है जहाँ पे डिज्नी ने इस फिल्म की कहानी में थोड़ा चेंज करके थोड़ा आईमैक्स और 3D में उसे बनाकर बड़े पर्दे पर रिलॉन्च कर दिया है। इस बार की कहानी में रंगभेद को मिटाने की कोशिशों को दिखाया गया है। ये रंगभेद मिटाने की जिम्मेदारी नायक यानी कि राजकुमार की माँ और एरियल के ऊपर आ जाती है। समुद्र के राजा को और दो बेटे हैं जिनका नाम इंदिरा और माला है, जो फिल्म की शुरुआत में ही दिखाई देती है। बेटियों में सबसे छोटी बेटी एरियल को समुद्र में रोमांच के सफर पर निकलना बहुत ही पसंद था। एरियल को समुद्र के बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा लुभाती थी और घर वालों के तमाम रोक टोक के बावजूद भी एरियल समुद्र तट पर जाती थी। और ऐसे एक दिन समुद्र में डूबते हुए जहाज के एक राजकुमार को वो बचाकर समुद्र के तट पर ले जाती है। समुद्र के राजा की बहन उसका राजदंड हत्या कर उसका पूरा राज्य हड़पना चाहती है। उसकी इसी आदत से उसे बहुत दिनों पहले ही राज्य से निकाला गया था। और इसी बीच में वो एरियल की उत्कंठा को अपना हथियार बनाना चाहती है। उसे इंसान में बदलने का लालच देकर वो एक अलग ही खेल खेलना चाहती है। लेकिन फिल्म की कहानी क्लाइमैक्स आते-आते फिर से अपने ट्रैक पर चली आती है। रॉबर्ट मार्शल ने इस बार कहानी में और भी सबप्लॉट जोड़े है। ओरिजिनल फिल्म की कहानी 83 मिनट की है, जिसमें नए सबप्लॉट आने के कारण कहानी में थोड़ी बहुत चेंजेस होने के कारण फिल्म का नया रन टाइम 2.25 घंटे का हो गया है और यही इस फिल्म के लिए कमजोर कड़ी साबित होता है। पिछली फिल्म के संगीतकार एलन मैकेनन को उसी फिल्म के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे। द लिटिल मरमेड इस फिल्म के लिए अंडर द वाटर ये गाना अपने अलग ही शब्द पर देखने को मिलता है। यही गाना काफी है आईमैक्स और 3D में फिल्म देखने वालों का सभी पूरा पैसा वसूल हो जाएगा जो टिकट पे उन्होंने लगाया है। समुद्र के अंदर की इतनी खूबसूरत और रंगीन दुनिया इसके पहले शायद किसी ने दिखाई होगी। हाँ, अवतार की फिल्म में देखने को मिली थी। छोटे छोटे बच्चों को ये फिल्म खास तौर पे पसंद आएगी। सावली जरपरी देखना बच्चों के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास और सबसे बड़ा सबक भी साबित होने वाला है। एरियल का किरदार निभा रही अभिनेत्री मुख्य रूप से हेले बेरी एक गायिका है और उनका मानना है कि अश्वेत लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का एक साहस भरा कदम है। जलपरी के तीनों भी दोस्त बहुत ही मस्त है। कटल नाम की जल मुर्गी कहानी का अहम हिस्सा है। उसे एक्वाफिना ने आवाज दिया है। फ्लाउंडर को आवाज दिया है जेकब ट्रिमले ने। जलपरी की चौकीदारी करने वाले केकड़ी सेबेस्टियन को आवाज दिया है डेविड डिग्स ने। इस चौकड़ी का जबरदस्त कमाल फिल्म के क्लाइमैक्स को और भी मनोरंजक बनाता है। ये फिल्म लाइव एक्शन की सारी तकनीकों से सराब हो रहे हैं। द लिटिल मरमेड को सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से देखने को जाओगे तो फिल्म बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगी। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त और कमाल के हैं। खासकर पानी के नीचे के दृश्य बहुत ही प्रभावित करते हैं। इसका क्लाइमैक्स जरूर बेहतर हो सकता था, लेकिन अपनी इन कमियों के बावजूद भी ये फिल्म छोटे छोटे बच्चों के लिए इस गर्मी के सीजन में मनोरंजन का एक जबरदस्त धमाका साबित होने वाली है। अगर आप डिज्नी की फिल्मों के फैन हैं और समंदर की दुनिया को और भी अंदर से और गहराई से जानना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक जबरदस्त तोहफा साबित हो सकती है। द लिटिल मरमेड ये फिल्म आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।